स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूनम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और देखिए, इस तरह की शर्ट्स होती है ना, हमारे घर में रिजेक्ट हो ही जाती हैं। तो शर्ट का बहुत ही अच्छा रीयूज़ बताने वाली हूँ आज। और देखिए, हम सभी के घर में सिलाई मशीन होती है, तो बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ इस कमीज से सिलाई मशीन का कवर बनाने का। ठीक है, तो पहले भी मैंने एक बार वीडियो शेयर किया था, वो नॉर्मली मेरे पास एक साड़ी का कपड़ा था, उससे बनाया था मैंने। तो आज यहाँ पर शर्ट से बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे का कर्व हो रहा है उसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी कट करके, और जो ऊपर वाला मैंने निशान लगाया है वो 19 इंच का है। ठीक है, ऊपर से नीचे 19 इंच का निशान लगा हुआ है, और साइड से देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट लिया है बिल्कुल, और चौक से निशान लगा के इसे मैं कट कर दूंगी। तो सिलाई मशीन का कवर बनाना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया, मैंने एक बार पहले भी वीडियो शेयर की थी। तो यहाँ पर जो भी आपके पास शर्ट हो उसका भी आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो साइड में कट किया है ना हमने, ये ऊपर की साइड में देखिए बाजू था, वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से देखिए, जो लेंथ है वो मैंने ली है 32 इंच। यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल लिया है। तो ऊंचाई जो है, जो चौड़ाई है इसकी 19 इंच है, और जो लंबाई है वो 32 इंच है। साथ में मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आटा बैग, आप चाहे तो राइस बैग भी ले सकते हैं। तो देखिए, शर्ट में यहाँ पर पॉकेट थी वो मैंने निकाल ली है, ये भी अभी हमारे आगे काम में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, आटा बैग को मैंने इस तरीके से इसी शेप में कट कर लिया है। थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे वाला आटा बैग लिया है, उसके साथ ज्वाइंट कर लिया है। तो यहाँ पर आप चाहे तो दूसरा कपड़ा भी लाइनिंग के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही कपड़ा ले रही हूँ और एक साइड मैंने आटा बैग लिया है। तो आटा बैग का जो प्रिंटेड साइड है वो मैंने अंदर की साइड कर लिया है, जो कि अंदर की साइड वाइट वाला साइड दिखे, और जो कपड़ा है वो सीधा वाला साइड ऊपर है। अब इनको आपस में मैंने सेट कर दिया है ऑल पिन से, जिससे कि ये डिसबैलेंस ना हो, और इसे हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर देंगे। और इसमें बीच में हम चेक बना सकते हैं, या 3-4 सिलाइयाँ इस तरीके से लगा सकते हैं, जो कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से सेट हो जाएं। अब यहाँ पर स्लीव मैंने लिए हैं, स्लीव को कट करने के बाद जितना कफ का एरिया होता है ना, जो ओपन पार्ट होता है, वहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर 2 पीस बन के रेडी हो गए हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, दोनों पार्ट्स सेम है, इनको मैंने खोल लिया, और जो सिलाई वाला पार्ट होता है ना वो मैंने कट करके अलग कर दिया है, और ये भी इस तरीके से रेडी हो गया पीस। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से 2 पीस निकल गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पाइपिंग का चक्कर नहीं करने वाले हैं। तो जो मैंने बड़ा वाला पीस निकाला था ना, दोनों साइड से हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पाइपिंग लगाएं तो आप अभी यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं किसी और कलर की, नहीं तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों साइडों में मैंने ये देखिए फोल्ड कर लिया है, और जो मैंने अभी एक्स्ट्रा था ना शर्ट का कपड़ा जो मैंने निकाला था, तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी पॉकेट बनाने वाली हूँ, और बटन पट्टी है साथ में, जैसे एक डिज़ाइन टाइप होता है ना वो भी आ जाएगा। और इसके साथ आप चाहे तो आटा बैग लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि शर्ट का कपड़ा जो है काफ़ी मोटा है, क्योंकि ये कॉटन की शर्ट है। अब देखिए, नीचे से मैंने 1.5 इंच का निशान लेके, यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की नाप लेके एक निशान बना दिया है पूरा, और यहीं पर मैं इस पॉकेट को सेट करने वाली हूँ थोड़ा सा फोल्ड करके, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, साइड नीचे से फोल्ड करना है, साइड से तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्ट्रेट वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इसे सबसे पहले हम पिन से अटैच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना सिलाई मशीन की कवर का जो पॉकेट्स है ना वो बन के तैयार हो जाएंगी, और काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में, क्योंकि बटन भी लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, साइड में सिलाई लगाई है, उसके बाद नीचे की साइड में इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसे अटैच कर देना है, सिलाई कर देनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है सिलाई मशीन का कवर बनाने का। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो घर में रखी शर्ट से ही आपकी बहुत अच्छा कवर बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, पूरी की पूरी एक पॉकेट है यहाँ पर, तो मैं 6 इंच की नाप ले लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर 3 पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 6-6 इंच की मैंने ली है, यहाँ पर 6.5 इंच की बन रही है एक पॉकेट, और बाकी 6-6 इंच की है। तो यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा के स्ट्रेट यहाँ पर सिलाई कर दूंगी, जिससे कि पार्ट बन जाए यहाँ पर पॉकेट के। तो देखिए, एक सिलाई की है मैंने, 2 पॉकेट बन गए हैं, एक और करूँगी यहाँ पर, 3 पॉकेट्स बन के रेडी हो जाएगी।
अगर बटन पट्टी नहीं है आपके पास तो नॉर्मली जिस कपड़े का आप बना रहे हो ना उसी को पीस कट करके आप यहाँ पर पॉकेट लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको फोल्ड करके यहाँ पर इसको एक और फोल्ड करूँगी और इससे क्या होगा इसका ना मिड पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल। आप चाहे तो नाप करके भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से अगर लगाते हैं ना मिड पॉइंट बहुत ईजीली लग जाता है। तो ये है बीच की जगह, ठीक है। अब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर हैंडल। तो यहाँ पर 9x3 का मैंने कपड़ा लिया है, साथ में बीच में मैं इस तरीके से आटा बैग रख के इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दूंगी। इससे क्या होगा जो हमारा हैंडल है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी तैयार कर ली है और यहाँ पर जो मिड पॉइंट हमने लगाया है उसे 2 इंच राइट और 2 इंच लेफ्ट यहाँ पर दो निशान लगाऊंगी और यहाँ पर जो हैंडल हमने बनाया है उसको अटैच कर लेंगे। अब इसको अटैच कैसे करना है, थोड़ा सा हमें फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर सिलाइयाँ लगा देंगे, 4 से 5 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर दूसरी साइड भी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हैंडल मैंने लगा लिया है। अब देखिए जो दूसरा वाला साइड है ना वहाँ पर अब मैं ये वाला पॉकेट लगाने वाली हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी साइड इसको लगा सकते हैं, साइड में लगा लीजिए या उस साइड में या बीच में ऊपर। तो मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर इस जगह पर। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको पिन से अटैच कर देना है और पॉकेट है देखिए 3 तरफ सिलाई लगानी है बस। तो एक साइड तो हमने वहाँ पर बटन पट्टी वाली साइड से एक लंबी सी पॉकेट बना ली है और ये तो शर्ट में ही थी पॉकेट, ये भी अटैच कर लेंगे तो एक और पॉकेट यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। तो दोनों साइड में पॉकेट बन जाएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर बस 3 साइड सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखिए मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर लेने वाली हूँ मैं एक और आटा बैग और इसकी नाप होगी यहाँ पर देखिए 12 इंच है यहाँ पर, ठीक है, 12 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और चौड़ाई लेने वाली हूँ यहाँ पर मैं 8 इंच। तो इस तरीके से इस नाप के यहाँ पर मैं 2 पीस रेडी कर लूँगी। और देखिए स्लीव से हमने ये पीस कट किए थे, इसी के ऊपर हम इसको पिन से अटैच कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जितने भी साइड से एक्स्ट्रा आ रहा है ना कपड़ा, इसे हम कट कर लेंगे और चारों ही तरफ हम इसमें सिलाई लगा के कपड़ा और आटा बैग को आपस में अटैच कर लेंगे। तो ये कपड़ा वही है जो हमने बाजू कट किए थे, ठीक है ना। अभी देखिए बस हमें चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर देखिए एक साइड में ना हमें इस तरीके से एक फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो एक ही साइड करना है हमें, ये दूसरी साइड नहीं करना है। तो ये देखिए दोनों पीसेस को मैंने एक साइड से मोड़ लिया है। अभी देखिए जो दोनों का, जो बड़ा वाला पीस है और जो छोटा वाला पीस है ना, दोनों का फोल्डेड साइड हमें नीचे की साइड रखना है। यहाँ पर मैं पिन के साथ इसको अटैच कर दूंगी और देखिए जो छोटा वाला पीस है ना हमें इस तरीके से बड़े वाले पीस के साथ जोड़ते हुए जाना है। तो पिन लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जोड़ने में आगे पीछे नहीं होगा और ऊपर नीचे भी नहीं होगा। तो ये देखिए साथ में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं पिन लगाते जा रही हूँ जिससे कि मुझे इसको सिलाई करने में आसानी हो। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई पीस छोटा बड़ा होता है ना तो थोड़ा सा चुन्नट दे दीजिए, नूचिस दे दीजिएगा जिससे कि पीस आपस में दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अभी दोनों पीस बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं पिन से इसको सेट कर लूँगी। पिन से सेट करने के बाद सिंपली हमें जैसे हमने ज्वाइंट करके पिन लगाई है उसी के ऊपर हमें मशीन चला देनी है जिससे कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और सेम ऐसा ही हमें जो दूसरा वाला साइड है ना, दूसरा पीस हमने लिया था, उसको भी ऐसे ही अटैच करना है। पहले पिन लगा लेनी है फिर उसके बाद मशीन चला लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड्स को सिल लिया है मशीन से। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं हम सीधा। तो ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मशीन का कवर बन के तैयार हो गया है। अभी आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन ये टेढ़ा नहीं है क्योंकि दूसरी साइड से ना उठा हुआ नहीं है ये, अभी इसलिए आपको ये टेढ़ा लग रहा है। अभी देखिए मैं जब मशीन पे पहनाऊँगी ना, ये देखिए दब रहा है एक साइड से, तो इसीलिए वहाँ से टेढ़ा लग रहा है। तो देखिए एक साइड बहुत अच्छा पॉकेट बन गया है लंबा सा और दूसरी साइड एक छोटा सा पॉकेट बन गया है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है अपनी इस वाली मशीन का कवर, ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, कितने अच्छे से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ना पेन है जो रील के लिए होती है ना, उसे मैं थोड़ा सा डाउन कर दूंगी, फिर देखना है ये बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने नीचे कर दिया। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर 3 बड़ी सी पॉकेट बन के तैयार हो गई हैं। एक उस साइड पॉकेट है, तो आप इंच टेप डालिए, रील डालिए, अपने पिन की डब्बी हो गई, मतलब कितना ही सामान जो सिलाई से रिलेटेड होता है ना हमारा, हम उसमें रख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी इसमें रील भी आ जा रही हैं और
तीन पॉकेट इधर हो गई हैं और एक साइड वहां पे भी पॉकेट है। तो देखिए जितनी भी बॉक्स में यहाँ पर रील थी वो सारी रील इसमें आ गई हैं। तो है ना आसान तरीका, घर में जो हमारे पास पुरानी शर्ट हो गई है उसका मशीन का कवर हम बहुत आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये आगे वाला साइड है। एक तरीका ये है और एक तरीका मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, उसका मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। तो देखिए एक ख़राब शर्ट थी कॉटन की, उससे बहुत ही प्यारा यहाँ पर महंगा सा मशीन का कवर बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी, मशीन का कवर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।